दोस्तों एक बार छोटा भीम को जो है डॉक्टर बनने का शौक चढ़ जाता है और उसको साइड में रखा एक डॉक्टर वाला आला दिख जाता है जिससे कि वो मरीजों को चेक कर सकता है। कुछ इस तरीके के जो वीडियो हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। ए टू जेड में आपको सारा कुछ यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें ये कार्टून वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से हम इनको एडिट करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से हम इन पर वॉइस ओवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी कंप्लीट में यहाँ पर आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर रोज ऐसा नॉलेजेबल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम को यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये जो कार्टून है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, ठीक है। ऑन होने का दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमें कहीं और नहीं जाना है, आप जिस यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो आपको उसी यूट्यूब पर वो कार्टून वीडियो भी मिल जाएंगी। सो किस तरीके से मिलेंगी देख लीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यूट्यूब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें सर्च करना है यहाँ पर नेटफ्लिक्स JR, ठीक है। जो नेटफ्लिक्स है आप लोग ने नाम तो सुना ही होगा नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो आपको वो सर्च करना है नेटफ्लिक्स JR। जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको सारे के सारे कार्टून वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे कार्टून वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड कर लेना है सिंपल सा, ठीक है। इनको आप डाउनलोड कर लोगे, कोई भी आपको कॉपीराइट का इशू यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो इनको आपको आसानी से डाउनलोड कर लेना है, जिस तरीके से आप बाकी के यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करते हो वैसे ही, ठीक है। और अगर नहीं पता है कैसे डाउनलोड किया जाता है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों इनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जहाँ से हम एडिट करेंगे हमें उसी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम काइनमास्टर को यूज करते हैं और साथ ही साथ VN को यूज करते हैं, लेकिन जो है अभी भी लोग जो है 90% काइनमास्टर का यूज करते हैं, तो हम भी आपको यहां पर काइनमास्टर से ही एडिट करके दिखाएंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप भी आसानी से इस तरीके के वीडियो को क्रिएट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हम काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की डेट में काइनमास्टर जो नया अपडेट आया है वो थोड़ा सा जो है हैक करता है, मतलब लैग करता है, काफ़ी टाइम लेता है ओपन होने में, ठीक है। सो यहाँ पर ठीक वही हो रहा है इस काइनमास्टर के साथ जैसा आप देख रहे हो साइड में स्क्रीन पर, ठीक है। सो दोस्तों ये लैग हो रहा है, ये तो चलो कोई बात नहीं, तो हम इसको तो स्किप मार देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, हम क्या करें यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें वीडियो बनानी है किस तरीके की, जो कि शॉर्ट वाला जो फ्रेम होता है यहाँ पर हम उस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं 9:16, ठीक है। और जो लॉन्ग वीडियो का फ्रेम होता है वो होता है 16:9, ठीक है। तो यहाँ पर 9:16 को मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमें ये क्रिएट करना है। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं जिसको हमने डाउनलोड किया है हमें उस क्लिप को यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर उस क्लिप को ले लिया। अब दोस्तों ये तो ले लिया हमने, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का अभी इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें एडिट किस तरीके से करना है, मान लीजिए अभी जैसे कि ये वीडियो है कोई, ठीक है, और इसको हम जो एडिट करना चाहते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए मुझे एडिट करना है, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ट्रिम करके इसका लेफ्ट साइड का मैंने ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे 30 सेकंड का वीडियो क्रिएट करना है या 40 सेकंड का क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके जो है दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना कट कर लेना है। जैसे ये 1 मिनट का मैंने वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया 57 सेकंड का, या आपको पता है शॉर्ट की लेंथ कितनी होती है, 1 मिनट से कम होती है, यानी कि 1 मिनट तक होती है। अब दोस्तों ये तो हो गया 1 मिनट का वीडियो, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आएगा, जैसे ही हम इस लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करें यहाँ से इसे हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा क्यों कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट का फ्रेम है और वो लॉन्ग के वीडियो है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये बड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बड़े में थोड़े जी ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका इस पर क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम है इसको यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। बंद कर दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो काम रह जाता है वो आ जाता है हमारा यहाँ पर जैसे लिखने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा जाएंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कोई भी टेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे भीम, छोटा भीम, अभी लिख जा छोटा भीम, छोटा भीम ने
हाथी हाथी की कैसे मदद की, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं हाथी की कैसे मदद की, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहां पर कैसे मदद की। चलिए ये हो गया, इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें यहां पर क्या करना है, इसका फॉन्ट बदलना है। तो हमें क्या करना है, ये फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, यहां से हम फटाफट जो है एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों ये हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसके पीछे एक बैकग्राउंड डालना होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर हैंड राइटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हैंड राइटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इसके साइज को जो है मोटा कर देना है। मोटा साइज करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस वाले हैंड राइटिंग को शेप को ले लेना है। और बनाना किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने शेप को ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से हम ओके करके बना देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये बन गया, बनाने के बाद इस तरीके से हम इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ऊपर में, अब उसके नीचे जो हमने लिखा था वो तो गायब हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेयर में आना है, इस पर क्लिक करना है जो मैंने लिखा है, उस पर क्लिक करना है, ये साइड में थ्री डॉट इन पर, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमने लिखा था वो अभी नीचे गया था, अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, छोटा भीम ने हाथी की कैसे मदद की। चलिए ये तो हो गया अब इतना अपना काम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी लेयर को वीडियो के बराबर कर देना है। जो भी हमारा वीडियो का लेंथ है, 1 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड जितना भी है, उस हिसाब से हमें बड़ा कर देना है, ठीक है। इसको हम बड़ा कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो नीचे वाली हमने जो लेयर ली है उसको भी हम यहाँ पर बड़ा कर देंगे, ठीक है। बड़ा कर दिया है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे जो है यहाँ पर हमें पूरा का पूरा कर दिया। अब हमारा काम रह जाता है यहाँ पर वॉइस ओवर का, ठीक है। वॉइस ओवर हमें किस तरीके से करना है वो हम बता देते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन है वॉइस ओवर करने के लिए आज की डेट में, लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं कोई और एप्लीकेशन नहीं यूज करना है, आप यहीं से करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर नीचे में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा। ऑन होने का दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ इसलिए यहाँ पर जो है ये दिक्कत कर गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, तो हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, और यहाँ से आप जो है डब कर सकते हो इसकी आवाज़, यहाँ पर आप डबिंग कर सकते हो, ठीक है। और डब करने के बाद दोस्तों आपको पता ही है सिंपल सा क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से हमें सेव एज वीडियो पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होता है, ठीक है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप वीडियो को बना सकते हो, और ऐसे वीडियो जो बनाते हैं आज की डेट में यूट्यूब पर हमारे भाई हैं, DNK फैक्ट उनका चैनल का नाम था, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके DNK टेक कर दिया है, ठीक है। सो वही बनाते थे ये सबसे पहले छोटा भीम वाला वीडियो, और अभी अभी उनका पेमेंट भी आया है, ठीक है। सो भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, काम करते रहिए, और आप लोग भी इस तरीके के वीडियो बनाकर बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ना बच्चे बहुत देखते हैं, और जिस वीडियो को बच्चे देखते हैं ये समझ लो उस वीडियो की जो है मतलब क्या ही कहूँ, ये समझ लो सामत आ जाती है, बेचारे को प्ले होना ही पड़ता है बार 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 बार, एक वीडियो को 20 बार प्ले करके कोई भी बच्चा उसको देखता ही है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सीख गए होंगे कि इस तरीके के वीडियो कैसे बनाने होते हैं। सो आई होप दोस्तों ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ घंटी को ऑल पर दबा लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर रोज ऐसा नॉलेज वाले यूजफुल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए दोस्तों आप अपने ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम, जय हिंद।